वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट जैक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम HPCL का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। HPCL दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। फ्रेशर्स अलाउड है, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। और क्या एलिजिबल ब्रांचेस है, क्या एज लिमिट है, कितनी वैकेंसीज है, क्या एग्जाम का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, ये सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। CTC की अगर बात करें तो 16 लाख का पैकेज फ्रेशर्स के लिए विदाउट एक्सपीरियंस HPCL प्रोवाइड कर रहा है। तो सभी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिटेल्स में हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो जो है लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि इसी प्रकार की अपडेट सबको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये सभी को पता ही होगा। ये हाईएस्ट पेइंग सैलरी देती है, हाईएस्ट पेइंग महारत्न कंपनी है। और यहाँ पे HPCL में जो ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है 23rd June 2022 एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 22nd जुलाई 2022। ठीक है, तो ये दो डेट आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। 23rd जून से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और 22nd जुलाई इज द लास्ट डेट। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या कितनी वैकेंसीज है, क्या पोजिशन है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये भले ही मैक्सिमम एज लिमिट है बट अगर आप कैटेगरी वाइज कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो कितना एज रिलैक्सेशन है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन है मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेड E2। E2 ग्रेड के लिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज है 103। और यहाँ पे मैक्सिमम एज दिया है 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी होगा आप अगर कैटेगरीज को बिलोंग करते हो। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया है कि 4 ईयर्स ऑफ फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड 0, एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा नहीं आपको। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोजिशन, यहाँ पे ग्रेड E2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 42 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज लिमिट अगेन 25, अगेन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको एप्लीकेबल होगा। सेम है 4 ईयर ऑफ रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिग्री। देन है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के 30 वैकेंसीज है और अगेन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सिविल इंजीनियरिंग के 25 वैकेंसीज है, अगेन सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग के 7 वैकेंसीज है, अगेन वही केमिकल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा डिग्री। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर ISO दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर्स के 5 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर IT इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट होगा डिग्री का तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 2.7 से आगे वाली पोस्ट है, सेफ्टी ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश, सेफ्टी ऑफिसर्स तमिलनाडु, सेफ्टी ऑफिसर्स केरला गोवा, ठीक है, ये इनके लिए आपको प्रॉपरली एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चाहिए, डिग्री डिप्लोमा चाहिए, अगेन वो सेफ्टी ऑफिसर्स के फील्ड में वो आपको डिग्री और डिप्लोमा चाहिए होगा। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रीड कर सकते हो जो भी एप्लीकेबल होंगे वो स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, ब्लेंडिंग ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंट, HR ऑफिसर्स के लिए भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिया है। बट मेन जो अपने पोस्ट है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या फिर केमिकल, तो इन सभी पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। सिर्फ आपके पास 4 ईयर्स की डिग्री सर्टिफिकेट भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, मैकेनिकल की 103, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 42, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 30 वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग की 25 वैकेंसीज है। ठीक है, तो वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिटेल में जो भी एलिजिबल ब्रांचेस है तो देखते हैं। कोर डिसिप्लिन मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल फील्ड में हो तो अगर आपके पास मैकेनिकल की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन की भी डिग्री होती है किसी किसी के पास तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी डिग्री अगर आपके पास होगी तो अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले,
इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इतनी अगर डिग्री है आपके पास कोई भी एक तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सिविल की सिविल डिग्री चाहिए। केमिकल के स्टूडेंट्स जो है केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो इनमें से कोई भी अगर डिग्री आपके पास है तो आप एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है डिटेल्ड इलिजिबल डिग्री एज मेंशन ऑन द डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद ये जो चार्टर्ड अकाउंट, लॉ, लॉ एचआर, ऑल अदर पोजिशन के लिए यहाँ पे प्रॉपरली जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग डिग्री है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस, कुछ कुछ पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, ये आप देख सकते हो। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लॉ ऑफिसर्स, एचआर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एसजी, सीडी, ठीक है, ये हाईएस्ट पोस्ट है तो इसके लिए सैलरी भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी और वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा ये हम देखते हैं। सी, द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स, लाइक पहला तो होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। ये जो मूट कोर्ट है ये लॉ ऑफिसर्स के लिए ये हमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तीन स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपकी सीबीटी होगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा एंड उसके बाद पीआर, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। तो तीन स्टेजेस में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे विद नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड विल कंप्राइज ऑफ टू सेक्शंस, टू पार्ट्स। पहला पार्ट जो होगा ये होगा जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकेंड पार्ट होगा ये आपका टेक्निकल, दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज। जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये तो कॉमन सी चीज है जो हमें सभी को पता है, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछते हैं, इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद जो टेक्निकल होगा, टेक्निकल में क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, जो भी आप अगर मैकेनिकल से अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस। तो ये होगा दो पार्ट्स में आपका सीबीटी। सीबीटी के बाद ऑब्वियसली जो भी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज, तो उसके बाद आपका जीडी होगा एंड उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। अभी सैलरी की अगर बात करें तो जो E2 ग्रेड है, तो यहाँ पे स्केल अगर बात करें तो सीटीसी आपको 16.26 लाख मिलेंगे। सी ग्रेड के लिए 26 लाख सैलरी होगी पर एनम एंड डी ग्रेड के लिए 31 लाख सैलरी होगी पर एनम, ठीक है। तो इतनी ज्यादा सैलरी है, 16.2 लाख फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब बस आपको सीबीटी, जीडी एंड पीआई क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग जो भी एसपीसीएल्स के डिवीजन या डिपार्टमेंट होंगे अक्रॉस ऑल द कंट्री, तो अक्रॉस इंडिया, ठीक है, तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका 1 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको परमानेंट, आप परमानेंट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप देख सकते हो E2 के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये मैक्सिमम एज इज रिलैक्स्ड बाय 5 इयर्स फॉर SC ST, 3 इयर्स फॉर OBC, NC, 10 इयर्स फॉर PWD एंड 13 इयर्स फॉर PWBD, 15 इयर्स फॉर PWBD SC ST कैंडिडेट। तो ये जो भी यहाँ पे इस एज रिलैक्सेशन से एप्लीकेबल होंगे, तो आप ये पॉइंट्स जरूर देखिएगा कि एज रिलैक्सेशन भी होगा यहाँ पे आपको। और एक्स सर्विस मैन के लिए भी है, जो डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर है वो, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा 23 जून से और एंड हो जाएगा 22 जुलाई से। आपको hindustanpetroleum.com इस वेबसाइट पे जाके करियर्स में जाके करंट ओपनिंग्स आफ्टर रीडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो ये प्रॉपरली स्टेप्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के फॉलो करना होगा। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, तो एप्लीकेशन फीस होगी 1180, ठीक है, 1000 प्लस जो भी GST वगैरह होगा। तो ये एप्लीकेशन फीस आपको
पे करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है क्या है कि लास्ट डेट है 22 जुलाई 2022, नो फर्दर एक्सटेंशंस होगा। और जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेरीज आपको आती है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप ईमेल कर सकते हो careers@hpcl.in, कीपिंग द सब्जेक्ट ऑफ द मेल फॉर्मेटेड एज पोजिशन नेम एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। ये प्रॉपरली मेल का जो सब्जेक्ट होगा, पोजिशन नेम एंड एप्लीकेशन नंबर, ये सब्जेक्ट रख के आप careers@hpcl.in पे आपका जो भी क्वेरीज है आप ईमेल कर सकते हो। उसके बाद द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ ऑल द एप्लीकेबल डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोजिशंस वेयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री एज पर एडवर्टाइजमेंट। जो भी यहाँ पे इस पॉइंट से तो एक बात तो आपकी क्लियर हो रही है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपके पास कंप्लीटेड डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आप आपके पास ऑब्वियसली डिग्री सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो आप अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है। तो और जो भी वर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके पास जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद वाला चाहिए होगा, जो भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक यस दैट्स इट, ये हुए, ये हो गया आपका एचपीसीएल का प्रॉपर नोटिफिकेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस एक बार देखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट है जो कि 23 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 22 जुलाई से। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको डिग्री कंप्लीटेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एज मैक्सिमम एज है 25 ईयर्स, बट आप अगर कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो आप जल्दी से जल्दी 23 से जब स्टार्ट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 स्टेजेस में, सीबीटी होगा फर्स्ट, देन ग्रुप डिस्कशन होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इतना भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप ये क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो कोई और क्वेरीज होगी आपकी इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो जो है आपके फ्रेंड्स जो भी है एलिजिबल होंगे तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।